हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बताया, सूचित किया कि जो जम्मू और कश्मीर में वैली में जिस तरह से काफ़ी ट्रीटमेंट हो रही है, उसके लिए आपने बंगारों का भी मिला है और उनके आदेश के अनुसार मैं कल श्रीनगर में बंगारों को मिले। जम्मू में जो परिवार है यहाँ के इतना व्यक्तित मैसेज करें, जिस तरह से उनके परिवार जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन परिवारों को जिस तरह से दावे खोखले किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो खोखले दावे किए गए हैं, तब तो ये बहुत ही सब खुश मिजाज चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबने इंटरस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं किसी पार्टी लाइन पे इस बात बोलने का मौका नहीं है, लेकिन मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि इन सब जो निरपराध लोग हैं, उनकी क्या गलती है कि उनको इस तरह से मारा दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं न्याय देने की आवश्यकता है और इन लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता है। ये संरक्षण सिर्फ सरकार दे सकती है और ये सवाल हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये लोग उनकी क्या गलती है कि जो अंदर से आवाज आ रही है, आप जो अगर सुनते हैं उनकी महिलाओं के आक्रोश सुन रहे हैं, छोटे 3-3 साल के बच्चे रो रहे हैं, अगर उनका आक्रोश अगर उनको सरकार को अगर सुनाई दे रहा है तो उनको ये जवाब देना होगा कि इन लोगों का कोई भी दोष नहीं रहते हुए उनको स्कूलों में जाकर उनको मारा दिया जाता है और उनको अगर टारगेटेड किलिंग हो रहा है तो उनका संरक्षण देने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की और सरकार की ही होनी चाहिए और प्रशासन और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसमें अगर वो कम्फर्ट रहे तो उसकी जिम्मेदारी लेकर राज्य सरकार के राज्य के प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने उसको कहीं ना कहीं जवाब देनी पड़ेगी। मैडम कहीं मेरा